फ्रेंड्स, मैं फिजियो संतोष कुमार उपाध्याय, एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी, एक बार फिर आपके सामने फ्रोजन शोल्डर। बिकॉज आपके कमेंट बॉक्स में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे थे कि फ्रोजन शोल्डर के विषय में कुछ बताएं, तो फ्रोजन शोल्डर के विषय में हम लोग बात करेंगे। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज और क्या ना करें। हमेशा कभी भी फ्रोजन शोल्डर के पेन में झटका वाला मूवमेंट ना करें, जर्की मूवमेंट ना करें। लोगों के मन में ये एक भ्रम सा है कि यदि हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे या झटके से एक्सरसाइज करेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे यदि कोई इंजरी है, जब तक वो हील नहीं होगी तब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। तो एक्सरसाइज हमेशा पेन फ्री होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, और कभी भी मालिश नहीं करें ज्वाइंट पे, उसको बचाएं। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जरूरतमंद है उसको जरूर शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे शोल्डर के पेन की। एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज्यादा यदि शोल्डर में पेन हो रहा है तो ज्यादातर लोग फ्रोजन शोल्डर के होते हैं, बट इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि रोटेटर कफ इंजरी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा मसल इंजरी के अलावा ज्वाइंट इंजरी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा ज्वाइंट की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम है, और कभी कभार तो शोल्डर की प्रॉब्लम और हाथों के प्रॉब्लम में गर्दन से एसोसिएटेड है। तो एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट जो मेजर प्रॉब्लम है यदि आप देखेंगे शोल्डर में, तो ये शोल्डर में ये जो कैप्सूल है इसकी टाइट होने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए अभी कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग बनाए हैं। एक्सरसाइज करते वक्त जैसे आप देखेंगे इसमें कई सारी प्रॉब्लम है, यदि इस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीपल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज्वाइंट में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से होते हैं, रोटेटर कफ इंजरी की वजह से होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि एक्सरसाइज करते वक्त कोई झटका नहीं देंगे, बहुत स्मूथ करेंगे, कोई भी मसाज शोल्डर पे करना बिल्कुल मना है, ज्वाइंट पे मसाज नहीं करना है। मसल्स पे आप मसाज कर सकते हैं बट ज्वाइंट पे मसाज नहीं करना है। इधर यदि प्रॉब्लम है तो आप हल्का हल्का सॉफ्ट टिश्यूज मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, बट वो मसल पे करना है, ज्वाइंट पे नहीं करना है। ज्वाइंट के लिए हमेशा जो एक्सरसाइज पेंडुलम एक्सरसाइज या फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज बताई गई है या फिर हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने वाली, ये एक्सरसाइज मोबिलाइजेशन के लिए करना है। और पेन में कोई भी झटका वाला मूवमेंट नहीं देना है। यदि एक्सरसाइज करते वक्त पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज कहीं ना कहीं गलत हो रही है। उसमें एक बार जरूर फोन करके आप मुझसे पूछ लें कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसमें पेन क्यों हो रहा है। और यदि एक्सरसाइज करने से पहले आप ठंडी सिकाई आइस की कर लेते हैं या फिर हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर लेते हैं, दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यदि आप एक्सरसाइज करने से पहले करते हैं। एक्सरसाइज के दौरान यदि पेन होता है तो बाद में भी आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, 2 से 3 बार 4 बार तक कर सकते हैं दिन में, या आइस फर्मेंटेशन कर सकते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज में बेसिकली जो हमारा ये ज्वाइंट है, ग्लिनो हेमरल ज्वाइंट, ये कैप्सूल काफी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया आपस में चिपक जाता है। तो पेंडुलम के थ्रू हम इसमें गैप देते हैं और ये इंट्रा ज्वाइंट जो स्ट्रक्चर है इसको हम रिलैक्स करते हैं। तो इसके लिए एक 1 kg का या कोई बोतल आप ले लेंगे जिसकी अच्छे से ग्रिप हो, और वॉकिंग स्टैंडिंग पोजिशन में हाथ को ऐसे रखना है, और पेंडुलम मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो मूव करे। गर्दन को बहुत नहीं झुकाना है, नहीं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। तो इसमें आराम से सपोर्ट लें और इस हाथ को पेंडुलम की तरफ मूव करें। गलत एक्सरसाइज क्या है, बहुत लोग ये करते हैं, ये गलत है। पेंडुलम में एक बार हिला के फिर छोड़ देना है, और ये 1 से 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, दोनों तरह का पेंडुलम है। इसके अलावा आप नॉर्मली इसको ऐसे गोल करके छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट, ये तीनों तरह के अलग अलग 1 से 2, ये मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है। पेंडुलम के बाद इस एक्सरसाइज को करना है। इसमें दोनों हाथों को, सपोज दैट ये राइट वाले में प्रॉब्लम है तो इसको एक्टिव असिस्टेड मोबिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें राइट वाले में यदि प्रॉब्लम है तो लेफ्ट से इसको पैक करेंगे, दोनों घुटने को मोड़ लेंगे। कई लोगों में ऐसा होता है कि कमर में दर्द है और इस एक्सरसाइज को करने में ये हाथ नहीं जाता है, तो कमर से फोर्स लगाते हैं और कमर का दर्द एग्रीवेट हो जाता है।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दोनों घुटने को मोड़ लेंगे, कमर का आर्च बराबर हो जाए, दोनों हाथ से पकड़ेंगे और राइट वाले में चूंकि प्रॉब्लम है तो लेफ्ट वाले से फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे जिससे कि आपके ज्वाइंट थोड़ा सा कैप्सूल जो है हल्का सा स्ट्रेच हो जाए। और इसमें भी 6 का 3 सेट करना है, यानी कि 6 बार पहले करना है, फिर थोड़ा होल्ड देना है, फिर 6 बार करना है, फिर होल्ड देना है और फिर 6 बार करना है। इन तीनों 6 में जब स्टार्ट करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि पहले 6 में कोई पेन नहीं होना चाहिए, दूसरे में माइल्ड पेन तक एरिया में हम जा सकते हैं, और थर्ड में जितना आप आराम से कर सकते हैं विदाउट जर्क उतना आप करेंगे, झटका इसमें देना बिल्कुल मना है। तो दोनों हाथ को पकड़ा, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ पुश किया और जितना जा सकता है लेके गए, और बहुत ही रिदमिक मूवमेंट करना है, कहीं भी झटका नहीं देना है। इसको 6 बार करें और फिर रेस्ट करके फिर 6, फिर रेस्ट करके फिर 6। मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है, इसमें मोबिलाइजेशन के वही रूल लागू होंगे जो फर्स्ट वाले में है, वो पेंडुलम, देन सेकेंड ये, और इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है इसको हॉरिजॉन्टल एडक्शन अबडक्शन बोलते हैं। इसमें दोनों हाथ को टाई करते हैं, दोनों घुटने को मोड़ के रखते हैं, टाई करके गर्दन के नीचे लाते हैं और फर्स्ट 6 सेट में पेन फ्री जोन में काम करना है। आप देखेंगे तो इसमें ये पूरा नीचे भी नहीं जाएगा फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में या पेरीआर्थराइटिस के पेशेंट में, और ये पूरा ऊपर भी नहीं आता है। तो ये दोनों में ध्यान रखना है कि 6 का 3 सेट में जितना आ सकता है पेन फ्री जोन में, पहले में, दूसरे में माइल्ड पेन और तीसरे में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन इसमें जर्क नहीं देना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो व्यक्ति का हाथ जो है पीछे जा ही नहीं पाता है और वो कोशिश करने में पेन हो जाता है, तो वो अपने हाथ को यहां रख के पहले शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बेहतर हो वैसे वैसे हाथ पीछे ले जा सकते हैं। इसको हम डेल्टॉइड आइसोमेट्रिक बोलते हैं या अबडक्शन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट तो होती है बट मूवमेंट नहीं होता है, तो अर्लियर फेज में मसल्स के पावर को गेन करने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको डेल्टॉइड आइसोमेट्रिक के नाम से हम बोलेंगे। हाथ को साइड में ले जाएंगे, दीवार से टच करेंगे और इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे, हमारा पूरा फोर्स यहां से आएगा और इसको 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और इसको मिनिमम 5 बार 7 बार और 10 बार धीरे धीरे इसको एज अ रूल हम फॉलो करेंगे। मोबिलाइजेशन वाला रूल होगा बेसिकली, ये हाथ को पीछे ले जाना बहुत जरूरी है, फ्रोजन शोल्डर में ये हाथ यहां तक नहीं जा पाता है, बहुत लोगों के तो पीछे ही नहीं जा पाता। ऐसे कंडीशन में यदि हम बात करें राइट साइड के अफेक्टेड की, तो राइट साइड वाले हाथ को लेफ्ट साइड से पकड़ेंगे और पकड़ के आराम आराम से जितना जा सकता है वहां पे, यहां पकड़े, यहां से ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे लेके जाइए, नीचे ले जाइए। और इसको हमेशा ध्यान रखिए कि 6 के 3 सेट में करें, पहले 6 में इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि पेन फील ही नहीं होना चाहिए। सपोज दैट यहां तक आया तो आप इतना ही करिए, दूसरे 6 में थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएंगे और तीसरे 6 में आप ज्यादा ले जाएंगे। लगातार 18 नहीं करना है, 6 के 3 सेट करने हैं और तीनों सेट के जो बताए गए नॉर्म्स हैं कि विदाउट पेन, माइल्ड पेन एंड यू कैन डू योर मैक्सिमम एफर्ट। थारा बैंड की एक्सरसाइज हम एक्टिव असिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। एक्टिव असिस्टेंट मतलब कि आप खुद परफॉर्म करें और जहां आप नहीं कर पाएंगे वहां थारा बैंड आपको असिस्ट करेगा। पहले हम इसको टॉवेल से करते थे, टॉवेल से ऊपर हम खींचते थे लेकिन उतना अच्छा असिस्टेंस नहीं मिलता था। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सपोज दैट ये राइट साइड अफेक्टेड है, राइट में प्रॉब्लम है, तो राइट को नीचे रखेंगे और जहां भी मान लीजिए यहां आप पकड़ पा रहे हैं इससे ऊपर नहीं जा रहा है तो इसको आप ऊपर की तरफ ले गए जितना, उसके बाद इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ऊपर अपने आप ये थायरा बैंड असिस्टेंस करके लेके आएगा। तो इसको जितना हो सके जब बेहतर कंफर्ट लगने लगे, पेन कम हो जाए, देन थोड़ा सा आप इसको और ऊपर कर लेंगे, नीचे तो आप ले जाएंगे कोई तकलीफ नहीं होगी आपको लाने में, बट ऊपर आने में ये आपको असिस्टेंस करेगा। तो ये असिस्टेंस के लिए भी आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में या शोल्डर की प्रॉब्लम में मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज तो जरूरी है बट मसल्स को एट्रोफी से बचाने के लिए, मसल पावर कम होने से बचाने के लिए आइसोमेट्रिक मूवमेंट को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं जिसमें पावर तो लगता है बट मूवमेंट नहीं होता है। तो ये हमारा थायरा बैंड है, थायरा बैंड को कहीं हम टाई कर लेंगे, बांध देंगे, थायरा बैंड ले लेंगे, इसको टाई कर लेंगे, टाई करने के बाद हाथ को बना के लगभग 15 डिग्री का गैप रखना है और इसको आगे से पीछे की तरफ शोल्डर के बल खींचेंगे और इसको 5 सेकेंड होल्ड करेंगे फिर धीरे से छोड़ेंगे। तो खींचेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में, फिर छोड़ेंगे। सेम इसी तरीके से
हम चेंज कर लेंगे डायरेक्शन और इसको आगे की तरफ लाने की, अपने तरफ थोड़ा दूर करके लाने की कोशिश करेंगे और 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये दूसरी हो गई। तीसरे में हम क्या करेंगे कि सामने अपोजिट साइड जाएंगे और इसको इसी हाथ में, यदि इसमें प्रॉब्लम है तो इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे। और देन लास्ट एक्सरसाइज, इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे। तो ये हमारे चारों तरफ से आगे पीछे साइड और दूसरे साइड से हमारी जो चारों तरफ की मांसपेशियां है वो मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दो और हम करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे एल्बो को और इसको यहां लॉक करके इसको अंदर की तरफ लाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल करेंगे, फिर अपना फेस चेंज कर लेंगे और इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ठीक होने में तो टाइम लगता है, लेकिन अपने इसको और माइल्ड करना है, पेनफुल नहीं करना है। किसी भी एक्सरसाइज में यदि पेन हो रही है दैट मींस कि वो एक्सरसाइज ठीक नहीं हो रही है, एक्सरसाइज हमेशा पेन फ्री होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।